कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम निमरानी में बनारस ढाबे के पास एक आइसर ने दो अलग अलग बाइकों पर सवार पांच युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई, वहीं दो घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निमरानी के युवक आतिश राणे, हिम्मत राणे, शिवा, अमन भार्गव और एक अन्य युवक रात करीब 11 बजे ग्राम निमरानी से ठीकरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार आइसर ने दो अलग अलग बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें आतिश राणे, हिम्मत राणे और दो युवकों की मौत हो गई। दो युवकों की ठीकरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे उन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक युवक शिवा अब्बू की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं युवक अमन भार्गव और एक अन्य युवक घायल है। आयसर वाहन को खलटाका पुलिस चौकी पर खड़ा करवाया गया, वहीं तीनों युवकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या घटना हुई, क्या जानकारी आपके पास, एक्सीडेंट हुआ इसकी? ये घटना करीबन 11:30 बजे हुई थी। हाँ। तो हमें मतलब मौका वारदात पे ये घर से के मतलब घूमने के हिसाब से निकले थे। अच्छा। तो उसका दौरान घटना हो गई। हाँ। हमें सूचना मिली, उस सूचना के तौर हम मौके पर पहुंचे। किसकी किसकी मृत्यु हुई इस घटना में? इस घटना में आतिश राणे, हाँ, पिता छतर सिंह, और हिम्मत राणे, हाँ, पिता कैलाश, हाँ, और शिवा। अच्छा। तीन व्यक्ति की, जो आतिश और आतिश मामा जी है उसमें, हाँ, और हिम्मत भी मामा जी है, हाँ, और शिवा भंजा है। अच्छा। घायल में कितने लोग हैं? घायल में एक व्यक्ति। क्या नाम है उसका? अमन। आपका नाम क्या है? अमन, पिता धर्मेंद्र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन सगवांदे। कहाँ रहते हो? निमरानी बेड़ीपुरा। सर, सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी? ये कल रात्रि में 11:15 के आसपास बनारस ढाबे के पास में निमरानी क्षेत्र में एक आइसर वाहन ने दो मोटरसाइकिल चालकों को टक्कर मार दी है, जिसमें पाँच लोग, जिसमें से दो लोग मृत हो गए थे और तीन लोगों को बड़वानी रेफर किया था, जिसमें से एक की मृत्यु वहाँ बड़वानी जिला अस्पताल में हुई है। तो टोटल तीन लोगों की मौत हुई है? हाँ, कुल तीन व्यक्ति मृत हैं और दो घायल हैं। सर, कहाँ के मृतक? ये निमरानी और खलबुजुर्ग और चिचली क्षेत्र के रहने वाले। आपका नाम? चौकी प्रभारी खलटाका। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।